हेलो स्टूडेंट्स, हरे कृष्णा। सो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो रोटेशन में जो भी अपने इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम्स रहते हैं, वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। जेई ने भी बहुत बार पूछा हुआ है, तो ध्यान से समझना इन सारी चीज़ों को। देखो, तो इक्विलिब्रियम के बारे में जब हम लोग बात करने लग रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम का सिंपल सा मतलब हो गया, अभी तक जो हमने पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि जहाँ पे भी एफ नेट की वैल्यू कितनी हो जाए जीरो, उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, अभी बच्चों यहाँ पे हम एक चीज़ इसमें ऐड और करेंगे, जब एफ नेट की वैल्यू जीरो हो जाए तो हम उसको ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इसके एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू जीरो है, लेकिन क्या पता वो चीज़ घूमने लग रही हो। जैसे मैं आपको सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ, अपना पंखा चल तो रहा है ना भाई। अगर आप देखोगे उसमें, तो जो पंखे का सेंटर ऑफ मास हो तो उसके मिड पॉइंट पे हो गया, और जो मिड पॉइंट हो तो वहीं की वहीं रुका हुआ। अगर मिड पॉइंट वहीं की वहीं रुका हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो पंखा है वो घूम रहा है, सेंटर ऑफ मास वहीं की वहीं है, तो इसका मतलब कि वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में था। लेकिन रोटेशनल भी इक्विलिब्रियम दूसरी एक और चीज रहती है। ठीक है, तो जब भी हम बात करेंगे तो हम यहाँ पे दो इक्विलिब्रियम्स की बात करेंगे। दूसरा आता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम, और जब हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो हम यहां पे कहते हैं टॉर्क नेट इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि अल्फा क्या होना चाहिए? जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब दो टाइप के इक्विलिब्रियम हमने यहां पे चर्चा की, एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है एसीएम जीरो, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है अल्फा जीरो। ठीक है, अभी अगली बात जो यहां से उठती है वो ये कि सर, अगर जैसे कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है ना, जैसे अपने पास एक ही रस एक ही रोड है, इस रोड को मैंने ऊपर बांधा हुआ है ऐसे, छत के साथ इसको ऐसे लटकाया हुआ, और मैंने क्या कहा? मैंने कहा ये मिड पॉइंट है। सॉरी, इसको ना डायग्राम में थोड़ा सा बदल देते हैं। जो सेंटर है, मान लो कि वो सेंटर है यहाँ पे। ठीक है, अगर ये सेंटर यहाँ पे है तो यहाँ से दूरी होगी एल बाय टू, और ये दूरी जो दी है वो दी हुई है एल बाय फोर। तो हमें कह दिया गया है कि जो रस्सियां हैं उन रस्सियों में टेंशन कैलकुलेट करो। तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चों, दो टेंशन हमने मान ली T1 और T2, तो हमें T1 T2 की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो जैसे ही ऐसी प्रॉब्लम आई तो अपने दिमाग में डायरेक्टली क्वेश्चन उठेगा कि सर ये तो बहुत आसान है, हमें पता है कि नेट फोर्स बैलेंस कर देंगे, क्योंकि ये जो लकड़ी है ये यहीं की यहीं रुकी हुई, जो रॉड है ये यहीं की यहीं रुकी हुई, तो क्या होना चाहिए? ऊपर की तरफ लगने वाली फोर्स T1 + T2 और नीचे की तरफ लगने वाली फोर्स mg। तो T1 + T2 किसके बराबर हो गया? mg के बराबर। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों, तो ये आपने ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की इक्वेशन तो लगा दी इस पे। अभी आप देखो, अगर कोई रुका हुआ ऑब्जेक्ट है, तो रुका हुआ ऑब्जेक्ट है तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है उसका एसीएम भी जीरो और अल्फा भी जीरो है। नहीं भाई, अगर घूम रहा होता तब तो हम ये सोचते कि सर क्या पता अल्फा जीरो है कि नहीं है, वो चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट रुका ही हुआ है तो रुके हुए में तो एसीएम भी जीरो हो गया और अल्फा भी जीरो हो गया। समझ में आया ना भाई? ना तो घूम ही रहा है ना वो चल ही रहा है, तो एसीएम भी जीरो और अल्फा भी जीरो। तो हम क्या कहेंगे? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जब भी रुका हुआ रहता है तो रुके हुए ऑब्जेक्ट में दोनों चीजें रहेंगी। कौन कौन सी? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी। समझ में आया? तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मतलब उस पे नेट फोर्स बैलेंस कर दो, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब उस पे नेट टॉर्क बैलेंस कर दो। ठीक है, अभी कई बार जैसे ये सवाल उठता है तो बच्चे ना ट्रांसलेशनल की इक्वेशन फटाक से लिख देते हैं। इस पे जैसे हमने देखा है कि ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ बैलेंस कर दिया, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। अभी अगली बात उठती है रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे, कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम कैसे पता करेंगे? तो बच्चों सिंपल सी बात है, टॉर्क जीरो करनी है।
है ना। तो नेट टॉर्क अगर आप जीरो करोगे तो क्वेश्चन ये उठता है कि सर कहाँ के अबाउट करें नेट टॉर्क जीरो, क्योंकि जो टॉर्क रहती है वो तो किसी पॉइंट एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट की जाती है। तो बच्चों ऐसी सिचुएशन से निकलने के लिए मैं आपको एक लाइन बोलूँगा, उसके बाद आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। सिंपल से सुनना, अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो बच्चों आप तो उसमें किसी भी पॉइंट के अबाउट देखो ना, टॉर्क तो हर जगह के अबाउट सेम ही दिखेगी आपको, जीरो ही तो दिखनी चाहिए। भाई अगर ये लकड़ी है, ये रोड है, इस रोड पे मैंने तीन पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ले लिया ए, यहाँ पे पॉइंट ले लिया बी, यहाँ पे पॉइंट ले लिया सी, मुझे ये बताओ अगर आप ए पे बैठोगे तो क्या आपको लकड़ी घूमती हुई दिखेगी? नहीं घूमती हुई दिखेगी। तो अगर हम ए पे बैठे तब भी ये रोड रेस्ट पे है, रोड रेस्ट पे है तो इसका मतलब कि अल्फा जीरो, अल्फा जीरो तो नेट टॉर्क एक अबाउट कितनी होनी चाहिए? जीरो। आप बी पे बैठ गए तब भी आपको लकड़ी तो रुकी हुई दिखेगी, अगर बी पे बैठोगे तब भी नेट टॉर्क कितनी? जीरो। सी पे बैठोगे तब भी रुकी हुई दिखेगी, तब भी जीरो। तो इसका मतलब कभी भी जब सिस्टम अगर रुका हुआ है तो आपको ये सोचने की ही जरूरत नहीं है कि किस पॉइंट के अबाउट लिखूँ। आगे भाई समझ में, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का आगे समझ में, कहाँ के अबाउट लिखना है तो कहीं के अबाउट भी लिख के टॉर्क जीरो कर दो। तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करता हूँ, मैं एक ऐसे पॉइंट के अबाउट लिखता हूँ जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अननोन है, जैसे कि अबाउट पॉइंट ए। देखो इस क्वेश्चन में तो क्या है कि ए पे अननोन है T1 है, बी पे अननोन है T2, सी पे नोन है MG। तो मुझे पता है कि भाई इसमें चाहे मैं ए के अबाउट लिखूं या बी के अबाउट लिखूं सेम ही बात पड़ेगी, क्योंकि दोनों जगह पे एक एक अननोन है। लेकिन जब कोई बड़े क्वेश्चंस रहते हैं तो बड़े क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, बड़े क्वेश्चंस में अटेम्प्ट करने का यही तरीका अप्रोच करते हैं हम लोग कि ऐसे पॉइंट के अबाउट लिखते हैं जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अननोन हो। ठीक है, तो जैसे अभी हम पॉइंट ए के बारे में बात करने लग रहे हैं, अबाउट पॉइंट ए, तो जब मैं अबाउट पॉइंट ए बात करने लग रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि पॉइंट ए के अबाउट नेटवर्क लिखेंगे, तो T1 की ए के अबाउट टॉर्क कितनी होगी? जीरो होगी। क्यों होगी T1 की ए के अबाउट टॉर्क जीरो? क्योंकि T1 वहीं पे एक्ट कर रहा है जहां पे ए है, तो इसका मतलब T1 इंटू जीरो। ठीक है, अभी उसके बाद ये देखो ए के अबाउट MG की टॉर्क, बच्चों कॉमन सेंस से सोचो, ए के अबाउट MG इसको कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है? जहां तक मेरी समझ में आ रही है उसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। देखो कैसे घुमाने की कोशिश कर, ए के अबाउट MG कैसे घुमाने की कोशिश करेगा? क्लॉकवाइज। और जो T2 है वो कैसे घुमाने की कोशिश करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब एक ने क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश की, एक ने एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश की। तो मैं क्या कहूँगा, मैं कह दूंगा कि सर दोनों की वैल्यू का लिख दो, अगर मैं क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लूँ तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान लूँ। तो क्लॉकवाइज को अगर मैंने पॉजिटिव माना तो ए से MG की दूरी कितनी होगी? L/2। तो ए के अबाउट MG की टॉर्क कितनी आई? MG इंटू L/2। फिर माइनस, क्यों? क्योंकि T2 की टॉर्क अपोजिट लगेगी, ऊपर की तरफ है, तो जब T2 की टॉर्क अपोजिट लगेगी तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि ए के अबाउट दूरी कितनी हुई? 3L/4, और T2 इंटू ये टोटल टर्म कितनी होनी चाहिए? जीरो। तो जैसे हमने इन दोनों को इक्वेट किया तो अपने पास आ गया MG/2 इज इक्वल्स टू 3T2/4, ये इससे कैंसिल हुआ, T2 की वैल्यू आई 2MG/3, T2 की वैल्यू 2MG/3 आई। तो पहली इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा T1 की वैल्यू आएगी MG/3। ठीक है, और बच्चों कॉमन सेंस से होना भी चाहिए था, क्या मैं कह दूँ, जो सेंटर ऑफ मास के नज़दीक रहेगी रस्सी उसमें टेंशन ज्यादा रहेगी, क्योंकि वो ही लगभग सारा वजन झेल लेगी। ठीक है, इसके लिए मैं आपको सिंपल से एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि आपने इस T2 रस्सी को सेंटर पे बांध दो, आपको T1 लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब जितना आप सेंटर ऑफ मास के नजदीक रहोगे उतना ज्यादा भारी, मतलब उतनी ज्यादा टेंशन रहेगी। ठीक है भाई, तो चलो बच्चों इस से अगली वीडियो में क्या, हाँ इससे अगली वीडियो में हम एक और प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेंगे इक्विलिब्रियम के ऊपर, लैडर का इक्विलिब्रियम का, जो बहुत ही फेमस क्वेश्चंस आते हैं है ना, तो उसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा।